अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला डायरेक्शन मेकर की जानिब से अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। लास्ट टाइम के हमारे लेक्चर में हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया था और आज हम वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। आज का हमारा जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाले टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और एक एडवांस फीचर हम पढ़ेंगे, एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़ इन सी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल ये है कि वेरिएबल है क्या। अ वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, जस्ट लाइक एन इंटीजर टाइप डाटा और फ्लोट टाइप डाटा एट्सेट्रा। कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करवा सकते हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, चाहे वो फ्लोट टाइप का हो, या चाहे वो करैक्टर टाइप का हो या स्ट्रिंग टाइप का हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि आपके पास एक अलमारी है और आप उसमें कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू, कोई भी डाटा रखवा सकते हैं अपनी ईज़ के लिए, कि आप उसको आगे फर्दर यूज़ कर सकें। आगे है टाइप वेरिएबल नेम। ये है इसकी डिक्लेरेशन का तरीका, कि पहले उसकी डाटा टाइप आएगी कि वेरिएबल किस टाइप का लेना है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इंटीजर टाइप का लें या फ्लोट टाइप का। आगे वेरिएबल नेम है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी दें। बट ये एक सिंटैक्स एरर बाद में जनरेट करता है अगर आप इसका स्टार्ट किसी भी न्यूमेरिक नंबर से करें या हाइफन लगाएं या कोई भी ऐसा नंबर जो कि इसके सिंटैक्स के अपोजिट हो। इसमें अंडरस्कोर यूज़ होता है और ये केस सेंसिटिव है, स्मॉल लेटर्स यूज़ करता है। सो वेरिएबल शुड बी स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल नीचे जैसे कि दो एग्जांपल गिवन है, इंट ए कोमा बी। ये है इसकी डिक्लेरेशन। इंट एक डाटा टाइप है, ए वेरिएबल नेम है, आगे देन बी ए अनदर वेरिएबल नेम। दूसरी इसकी एग्जांपल है फ्लोट। फ्लोट एक डाटा टाइप है, सी वेरिएबल है और डी भी एक वेरिएबल है। आगे है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप में हमारे पास बहुत सी टाइप्स आती हैं। जिस तरह से डाटा टाइप्स की टाइप्स थी कि आपके पास डाटा किस टाइप का होना चाहिए, उसी तरह वेरिएबल की भी टाइप्स हैं कि वेरिएबल जो है वो किस टाइप का होगा। करैक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है और वॉइड है। इसकी डिस्क्रिप्शन में वाजह है, करैक्टर जो है वो एक सिंगल बिट वैल्यू है और ये सिंगल करैक्टर ही लेता है। चाहे आप इसमें करैक्टर के अंदर ए को स्टोर करा दें, बी को स्टोर करा दें, जेड तक कोई भी करैक्टर, कोई भी अल्फ़ाबेट आप स्टोर करा सकते हैं, लेकिन ये सिंगल करैक्टर को लेगा। इंटीजर में रेंज आपको पहले बता दी थी, उस रेंज के अंदर आके कोई भी वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोट के अंदर भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें अशारिया वाली वैल्यू आती है, मीन्स के पॉइंट वाली। और डबल जो है इसकी, ये भी फ्लोट की ही एक टाइप है, लेकिन ये है कि इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है फ्लोट से। और आगे है वॉइड, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, रिप्रेजेंट्स द एब्सेंस ऑफ टाइप। जिसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं होती, उसको जो मर्जी कही जाओ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन जिस तरह से हमने पीछे व्हाट इज़ वेरिएबल के अंदर डिफाइन किया कि उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसी तरीके से ये चीज़ है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आप इसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको सिर्फ डाटा टाइप देनी है कि वेरिएबल किस टाइप का होगा और वेरिएबल का नाम देना है। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और अगर आप इसको किसी भी कोड में, किसी भी प्लेस पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस इसका ये फ़र्क है कि इससे पहले एक कीवर्ड लगता है एक्सटर्न का, वो हम आगे भी यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डेफिनेशन हम उस वक्त करते हैं जब हम इसको किसी फंक्शन के अंदर जो है डिक्लेयर करें। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन में बात की कि एट एनी प्लेस आप इसको कर सकते हो, जस्ट लाइक आउटसाइड द मेन और आउटसाइड द एनी फंक्शन। लेकिन वेरिएबल डेफिनेशन के अंदर आप जो भी वेरिएबल नाम जो भी डिक्लेयर करते हैं, वो आप किसी फंक्शन के अंदर या मेन फंक्शन के अंदर करते हैं, आउटसाइड द फंक्शन नहीं होता ये। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं कि आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू जनरेट कर दें, कोई वैल्यू असाइन कर दें। जिस तरह से मैंने आपको अलमारी की एग्जांपल दी थी, अलमारी के अंदर आप कोई भी चीज़ रखते हैं, वो वेरिएबल को आप डाटा स्टोर करवा रहे हैं।
आप फॉर एग्ज़ाम्पल अलमारी में कप रखते हैं, तो कप आपका एक यूँ कह लें कि वैल्यू है जो आपने असाइन की वेरिएबल को। सो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। आगे हम चलते हैं हमारा लास्ट जो टॉपिक है एल वैल्यूज़ एंड आर वैल्यूज़ इन सी। जो भी वैल्यू हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे होगी वो हमारी होगी एल वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ फॉर ए इज़ इक्वल टू 10, जो हमारा ए है वो है हमारी एल वैल्यू। और एल वैल्यू के अंदर हमेशा राइट साइड वाली वैल्यू जो है आर वैल्यू जो हैं वो हमेशा असाइन होती हैं और स्टोर होती हैं। ए इज़ इक्वल टू 10, सो 10 जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। आगे है आर वैल्यू। आर वैल्यू हमेशा जो है असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पर लिखी जाती है, जिस तरीके से वही फॉर पीछे वाली एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 10, 10 जो है वो हमारी आर वैल्यू है। और आप इसको लेफ्ट साइड पे ये नहीं लिख सकते कि 10 इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि आपकी कोई भी वैल्यू उसमें स्टोर नहीं होगी, तो ये आपका रन टाइम पे एरर देगा। इस वजह से ए इज़ इक्वल टू 10, ए जो है वो आपकी एल वैल्यू है और जो 10 है वो आपकी आर वैल्यू है। जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे वैल्यू होगी वो आपकी आर वैल्यू कहलाई जाएगी, और जो लेफ्ट साइड पे होगी वो आपकी एल वैल्यू कहलाई जाएगी। सो अब हम इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेयर इज आवर टूल। हाँ जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोड हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main clrser2। और ये फंक्शन जिस तरह मैंने आपको बता दिया ये हम यूज़ करते हैं टू क्लियर आवर कंसोल। अब हम इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं वैल्यूज़। ठीक है, पहले ये पूरा इसका सिंटैक्स कर लेते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप पहले करें या बाद में करें। हाँ जी, अब हम करते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। इंटीजर नंबर, ये आपका है वेरिएबल डेफिनेशन या डिक्लेरेशन, क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर है, सो हम इसको कहेंगे वेरिएबल डेफिनेशन। लेकिन अगर हम इसको इसके बाहर कर दें जस्ट लाइक इंटीजर नंबर 1, ठीक है, तो इसके लिए ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, लेकिन इसके हमें एक्सटर्नल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो बताएगा कि ये वेरिएबल जो है वो एक्सटर्नल जो है ना यू कह लें कि फंक्शन के बाहर जो है वो डिक्लेयर करवाया गया है। ये हम देखते हैं अभी एरर जनरेट करता है कि नहीं, या हम लिख ही देते हैं इसमें कौन सा ऐसा मसला है। सो इंट नंबर ये होगी वेरिएबल की डेफिनेशन, ये इंट नंबर जो है ये वेरिएबल की डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर हमने इसको फर्दर इनिशियलाइज करवाना है तो हम करेंगे नंबर इज इक्वल टू 10। ऑल राइट, लेकिन हम इसको ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को डेफिनेशन या डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं एक अनदर वेरिएबल लेता हूँ इंट नंबर 1 इज इक्वल टू 50। अब अगर हमने इनको प्रिंट करवाना हो तो देखते हैं इसका क्या तरीकाकार है। लेकिन पहले इसको नंबर 2 कर देते हैं और यहाँ पर नंबर 2 का वैल्यू साइन कर देते हैं हम, एक नंबर 2 इज इक्वल टू 30। अब हम इसको प्रिंट एफ करते हैं हमारी कंसोल पे कि प्रिंट करे वैल्यूज। द वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल नंबर इन नंबर वेरिएबल इज, ये आगे हम यूज़ करेंगे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसको हम आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है कि आपने डाटा किस फॉर्मेट का सेव कराना है। अगर आपने इंटीजर टाइप का सेव कराना है तो आप यूज़ करते हैं परसेंट डी, लेकिन ये याद रखें कि जो डी है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर होता है। अब हमने अगर इसको ये करवा दिया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने बता दिया है कि ये इंटीजर टाइप का डाटा है और हमने इंटीजर टाइप का ही लेना है कंसोल पर, तो
हमने इसको परसेंट डी असाइन कर दिया। अगर हमने इसमें लेना हो फ्लोर टाइप का तो हम करेंगे परसेंट एफ, ऑल राइट। और अगर हमने लेना है करेक्टर टाइप का तो हम इसको करेंगे परसेंट सी, मोड सी। और अगर हमने स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेना है तो हम उसके यहाँ पे करेंगे परसेंट या मोड एस। अभी हम ले रहे हैं इंटीजर टाइप का और हमने वैल्यू शो करानी है नंबर की, तो ये आ गया हमारे पास नंबर की वैल्यू आ गई। और अगेन प्रिंट एफ, लेकिन हम यहाँ पर स्केप सीक्वेंस यूज़ करेंगे टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। द वैल्यू स्टोर्ड इन नंबर वन वेरिएबल इज अगेन परसेंट डी बिकॉज इट इज ऑल्सो एन इंटीजर टाइप। अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर वन वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम एज इट इज होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर देगा। अच्छा जी, अब हम देते हैं नंबर टू की वैल्यू जो कि हमने एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर की थी। प्रिंट एफ बैक स्लैश एन द वैल्यू स्टोर्ड इन इन नंबर टू वेरिएबल इज इट इज ऑल्सो इंटीजर टाइप। नंबर टू वेरिएबल नेम एज इट इज, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। सो अब हम इसको रन करते हैं। इट क्रिएट्स एन एरर, ये कह रहा है कि हमने जो है इसको अननोन नंबर दिया है। सो हम ये कीवर्ड ड्रॉप करके देख लेते हैं। यस इट्स रनिंग, सो दिस इज आवर लेक्चर अबाउट द वेरिएबल्स, कि आप वेरिएबल को जिधर मर्जी वेयर एवर यू वांट आप डिक्लेयर कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के बाहर हो या फंक्शन के अंदर हो, इसके लिए कोई कीवर्ड का इशू नहीं आता। सो दिस इज़ आवर लेक्चर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।